हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू QNS TV एंड आई एम आंचल मिस्कीन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन दिस चंक विच इज नोन एज #news न्यूज इन्फॉर्मेटिव. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे. दोस्तों, जो हमारी आज की फर्स्ट न्यूज है वो सीधा साउथ सूडान से आई है और जो ये खबर है दोस्तों, ये बहुत ही अटपटी है और बहुत ही अनोखी है, क्योंकि ये जो खबर है इससे जुड़े कई एग्जाम्पल्स हमें अगर हम कहें स्पेसिफिकली तो लॉ से जुड़ी कई खबरें जो हैं हमें अलग अलग फॉर्म्स में सुनने देखने को मिल जाती हैं. बट जो ये एक खबर है, ऐसी खबर हम लोगों को ना सुनने को मिली है और ना देखने को मिली है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिली है. अब आपको बिना समय गवाए बताते हैं कि ये खबर क्या है. खबर ये आई कि एक 45 साल की औरत को मारने की जुर्म में एक भेड़ को 3 साल की सजा हुई. जी हाँ दोस्तों, आपने मुझे सही सुना. दैट इज A sheep has been sentenced for 3 years jail as that sheep was accused of killing a 45-year-old woman in South Sudan. जी हाँ दोस्तों, ये खबर कहाँ सुनने को मिलती है, क्योंकि यहाँ अगर हम सबसे पहले तो बात करें कि जब हम मर्डर या किसी भी तरीके की हीनियस क्राइम की बात जब सामने आती है तो वहाँ पे जब केस कोर्ट में जाता है तो एक केस का जो वर्डिक्ट है आने में कई साल लग जाते हैं. इट कैन बी 3 years, 4 years, इट कैन बी 7 years एज वेल. बट यहाँ साउथ सूडान में ये तो एक नई ही एग्जाम्पल सेट हुई जिसमें एक 45-year ओल्ड औरत को मारने के जुर्म में एक भेड़ को विदिन 24 hours ये जो है 3 साल के जेल की सजा हुई. अब दोस्तों, अगर आपको इस केस के बारे में थोड़ा सा बताएं तो इस भेड़ ने इस औरत के जो रिब्स है उसको सींग मारकर तोड़े थे, यानी कि उसने सींग उस औरत को मारे और उस सींग मारने से उस औरत की जो सारी रिब्स हैं वो टूटी थी. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब रिब्स टूटती हैं तो ऑब्वियसली जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं रप्चर हुए होंगे, जिस वजह से वो औरत ऑन स्पॉट उसकी डेथ हुई. अब इसी वजह से क्या हुआ कि जब ये बात फैली, चाहे वो भेड़ का जो मालिक है उस तक पहुंची या उस औरत के परिवार वालों तक की जब बात पहुंची तो ये मसला सारा जा पहुंचा पुलिस के पास. अब पुलिस वहां क्या करती है, पुलिस कहती है कि जो ओनर है वो बेगुनाह है क्योंकि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है. तो यहां दोषी किसे पाया जा रहा है, उस भेड़ को. तो अब इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, एक म्यूचुअल कंसेंट से जो ये भेड़ है इसे मिलिट्री कैंप में वहाँ भेजा जाएगा 3 साल के लिए, और ये भेड़ जो है ये अपने 3 साल की जो ये कैद है ये एक मिलिट्री कैंप में बिताएगी. और जो भेड़ का मालिक है वो क्या करेगा, वो जो विक्टिम है यानी कि इस 45-year-old वुमन की जो फैमिली है उनको 5 गाय यानी 5 cows एक कॉम्पनसेशन के तौर पर देगा. और अब इसके बाद अगर आपको बताएं तो ऐसा केस पहली बार सामने नहीं आया. दो किसी भेड़ को सजा होने की बात सामने आई है, बट किसी जानवर के हमले की वजह से किसी इंसान का मारा जाना ये खबर पहली बार नहीं आई है. आपको हम बताएं कि US में भी एक ऐसा केस दर्ज हुआ था, वो मैसाचुसेट्स से दर्ज हुआ था कि 73-year-old वुमन जो वहाँ मैसाचुसेट्स के एक फार्म में एज वॉलंटियर काम कर रही थी, वहाँ पर जब भेड़ ने उस पर हमला किया तो वो गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिस वजह से उसे जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो वो वहां सरवाइव नहीं कर पाई और कार्डियक अरेस्ट से उसने अपनी जान गंवा दी. तो हम कह सकते हैं कि जो भेड़ का हमला या किसी भी जानवर का हमला किसी इंसान पर होना और उससे उस इंसान की मौत होना कोई पहली खबर नहीं है. बट हाँ, यहां हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि यह खबर बहुत अनोखी है, बहुत अटपटी है, कि एक जानवर को सजा होना ये अपने में एक अलग ही अनोखी एग्जाम्पल सेट हुई है जो साउथ सूडान के जो जुडिशरी सिस्टम है उन्होंने सबके सामने रखी है. तो दोस्तों, हम आपको फटाफट से कंपाइल करते हुए एक बार फिर बताएं कि एक भेड़ को 3 साल की सजा हुई. क्यों हुई, क्योंकि उसने एक 45-year-old यानी कि 45 साल की महिला को सींग मारकर जो उसके रिब्स हैं वो तोड़ दिए, जिस वजह से वो ऑन स्पॉट उस औरत की डेथ हुई. अब इसी सज़ा को जो वो काटेगा भेड़, वो साउथ सूडान के एक मिलिट्री कैंप में काटेगा. तो दोस्तों, ये थी आज की अनोखी अटपटी खबर. उम्मीद है कि अगर आज दिन में कोई ऐसी ही अनोखी अटपटी खबर हमारे सामने आती है तो हम आप सभी के सामने लेकर वो फिर हाजिर होंगे. तो तब तक के लिए आप बाकी खबरों के लिए और फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहिए QNS TV के साथ. पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जाकर फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा.
तब तक के लिए आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। टिल देन बाय बाय।